की इस कक्षा में हम दशमलव पाठ के प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है जोड़िए, ये दशमलव का जोड़ है। तो आइए देखते हैं कि दशमलव का जोड़ हम किस तरह करते हैं। तो यह हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है 3.576 जोड़ 0.045 जोड़ 7.3। इसे हम पहले स्तंभ में सजाते हैं। 3.576। अब ये दूसरा वाला जो संख्या है इसे लिखेंगे इसके नीचे, और लिखने समय एक चीज हम ध्यान देंगे कि दशमलव के नीचे ठीक नीचे दशमलव होगा, और इधर जो पूर्ण संख्या है ये इकाई है, तो इकाई के नीचे इकाई होगा। अब इधर दशांश के नीचे ही दशांश लिखेंगे, यहां दशांश शून्य है तो ये दशांश के नीचे लिखेंगे। शतांश 4 है तो इसे भी हम शतांश के नीचे ही लिखेंगे, ठीक नीचे लिखेंगे। और ये जो हजारवां स्थान पर है तो इसे भी हम हजारवें के लिखेंगे। फिर तीसरा जो हमारा संख्या है उसमें भी हम वही ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे ताकि गलती नहीं हो। ये हमने दशमलव लिख दिया। अब इसकी दाहिनी ओर देख रहे हैं क्या है, 3 है, और इसकी बाईं ओर 7 है इकाई में। अब इसे हम जोड़ेंगे, 6 और 5 11 का 1, हाथ में रहा हासिल 1, 7 4 11 और 1 हासिल जोड़ लिए तो 12, ये हो गया 2, हाथ में हासिल रहा 1, 5 3 8 और 1 9, और दशमलव जहां था वहां दशमलव रख रहे हैं हम। अब 3 और 7 10, ये हमारा जोड़ आ गया। ठीक इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 2 भी करेंगे। ये है 2 21.7 जोड़ 17.3 जोड़ 42.05। ठीक इसी तरह से इसे भी हम सजा के लिखेंगे स्तंभ में। आइए इसे जोड़ते हैं, 5 7 3 10 0, हाथ में हासिल रहा 1, और ये दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव हम रखते हैं, 1 7 8 2 10 और 1 हासिल था इधर से 11 का 1 और 1 हासिल हो गया, 2 1 3 1 4 और 4 2 1 3 यस यहाँ से हासिल ये 2 1 3 1 4 और 4 8, तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से तीसरा नंबर भी प्रश्न लेंगे। ये है 170.29 जोड़ 20.11 जोड़ 15.70। यहाँ स्तंभ में सजा के लिखते हैं, 170.29 दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, फिर इधर 1 1 और इधर ये 0 और ये 2, फिर यहाँ दशमलव 7 0 5 1। अब उसी तरह से जोड़ेंगे, 9 और 1 10 का 0 हासिल रहा 1, 2 और 1 3 1 4 और 7 11 का 1 हाथ में रहा हासिल 1, यहाँ 5 और 1 6 7 2 9 1 10 का 0 हाथ में हासिल रहा 1 और 1 1 2। ये 3 प्रश्न हमने बना लिए, अब चौथा आप स्वयं बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2, रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः 15.25 रुपये, 35.50 रुपये और 75.50 में खरीदा, उसने कुल कितने रुपये खर्च किए।
तो हम इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे, थैला का मूल्य ये हो गया 15.25। इसके बाद कॉपी का मूल्य 35.50, टॉर्च का मूल्य 75.50। यहां फिर से हम वही ध्यान देंगे कि दशमलव के नीचे ठीक नीचे दशमलव होगा, दशांश के नीचे दशांश होगा, शतांश के नीचे शतांश को रखेंगे। उसी तरह से बाईं ओर इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे। अब इसे जोड़ते हैं, 5 जोड़ 0 जोड़ 0 ये हो गया हमारा 5, 2 5 7 और 5 12, 12 का हम लिखेंगे यहां पर 2, 1 हासिल हो गया। अब दशमलव की जगह पर हम दशमलव लिखते हैं, 1 हासिल था तो यहां 1 हासिल को जोड़ दे रहे हैं, तो 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 5 16 का 6, 1 हासिल रहा। तो हासिल यहां जोड़ेंगे, 1 और 1 2 3 5 और 7 12, तो ये हमारा आ गया 126.25 रुपये। अर्थात इसको हम अगर रुपये पैसे में कहें तो ये हो जाएंगे 126.25। आप प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं, मधुमिता 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से, 55 किलोमीटर 45 मीटर रेलगाड़ी से और 5 किलोमीटर 200 मीटर रिक्शा से तय की दूरी तय की। तो मधुमिता द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 की तरह इसे हम लिखेंगे, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी। अब हम यहाँ एक काम ये कर रहे हैं कि ये 15 किलोमीटर 600 मीटर है, इसे हम दशमलव में बदल देंगे। तो दशमलव में अर्थात इसे पूरे किलोमीटर में बदल देंगे। अगर 15 किलोमीटर 600 मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो इससे पहले वाले प्रश्नावली या पाठ में हमने देखा था कि किस तरह से हम बदलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 15.600 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इसी तरह से हो जाएगी, 55.045 किलोमीटर। रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी ये हो जाएगी 5.200। और इसमें भी हम वही ध्यान देंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और हजारवें स्थान वाले के नीचे हजारवें स्थान, उसी तरह इधर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि इसमें हमने क्या किया है, ये 15 किलोमीटर 600 मीटर को हमने किलोमीटर में बदल लिया है। ये जो तरीका है ये हमने इससे पहले पढ़ा है, तो आप सभी इसको जानते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे जोड़ते हैं, 0 5 जोड़ 5 जोड़ 0 हमारा हो गया 5, यहाँ 0 जोड़ 4 जोड़ 0 ये हो जाएगा 4। थोड़ा सा साफ से करते हैं इसे। ये 4, यहाँ 6 जोड़ 0 जोड़ 2 ये हो जाएगा 8। और दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, 5 5 10 5 15 का 5, हाथ में हासिल रहा 1, तो यहां हासिल जोड़ देंगे 1 में, 1 1 2 और 5 7, ये हो गया हमारा किलोमीटर। और अगर हम इसे मीटर में भी बदलना चाहें, किलोमीटर और मीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 75 किलो मीटर और 845 मीटर। प्रश्न संख्या 4, एक थैले में 5 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर और 750 ग्राम प्याज है, ज्ञात कीजिए थैले में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। तो आइए हम इसे इस तरह से लिखेंगे, आलू का वजन
अब हम यहां क्या कर रहे हैं कि ये 5 किलोग्राम 500 ग्राम इसे हम किलोग्राम में बदल ले रहे हैं। ये किलोग्राम में बदलना आप पहले सीख चुके हैं। इसी तरह से हम टमाटर का वजन को भी किलोग्राम में बदल लेंगे और प्याज का जो ग्राम में दिया हुआ है वजन इसे भी किलोग्राम में बदल लेंगे। तो आलू का वजन हमारा हो जाएगा ये 5 किलोग्राम 500 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 5.500 किलोग्राम। उसी तरह से टमाटर का वजन हो जाएगा 1.250 किलोग्राम और प्याज का वजन हो जाएगा 0.75 किलोग्राम। और हम पहले की तरह हम ध्यान देते हैं कि दशमलव की इसे स्तंभ में जब लिखते हैं तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखते हैं, दशांश के ठीक नीचे सारे दशांश को लिखते हैं और शतांश के नीचे सभी शतांशों को लिखते हैं और हजारवें वाले के नीचे हजारवें, इसी तरह इधर इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं। आइए अब हम जोड़ते हैं, 0 0 0 ये हो गया हमारा शून्य और 0 जोड़ 5 जोड़ 5 यानी 10, 10 का 0 हाथ में हासिल रहा 1। तो इस 5 में जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15 का 5 1 हासिल हो गया। और इसके बाद यहां देख रहे हैं दशमलव है तो ठीक है यहां पर दशमलव बैठाएंगे, 1 हासिल है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 1 7। तो ये हमारा आ गया 7.500 किलोग्राम कुल सब्जी। अगर हम इसे किलोग्राम और ग्राम में लिखना चाहें तो ये होगा 7 किलोग्राम 500 ग्राम। अब प्रश्न संख्या 5, अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ज्ञात कीजिए अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। यहां भी ये जो 2 मीटर 65 सेंटीमीटर है इसे हम मीटर में बदल लेंगे और ये पैंट का कपड़ा जो है 2 मीटर 55 सेंटीमीटर इसे भी मीटर में बदल लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से लिखेंगे, शर्ट के लिए कपड़ा ये हो जाएगा 2.65 मीटर। जब हमने इसे मीटर में बदल लिया तो ये हो गया 2.65 मीटर। पैंट के लिए कपड़ा ये 2.55 मीटर। अब इसे जोड़ेंगे, जोड़ने में फिर वही ध्यान रखेंगे कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश और शतांश के नीचे शतांश। आइए अब जोड़ते हैं, 5 और 5 10 का 0 हासिल रहा 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 और 5 12 का 2 और इसके बाद ये दशमलव लिखते हैं और जो हासिल रह गया उसे यहाँ जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 2 5। तो ये आ गया हमारा 5.20 मीटर जो कुल कपड़ा हो।